तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप बेनिफिशियरी स्टेटस को बिना ओटीपी के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत एक अपडेट आया है, जिस अपडेट में बताया गया है कि बिना ओटीपी के थ्रू आप बेनिफिशियरी स्टेटस को आप चेक नहीं कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप बिना ओटीपी के थ्रू आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो ही तरीके बताएंगे कि आप ओटीपी के थ्रू आप अपने स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। एंड दोस्तों, मैं आपको यह भी तरीका बताएंगे कि आप बिना ओटीपी के थ्रू आप अपने स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हो। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल होने वाला है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरी ध्यान से जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करेगा एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं पहला तरीका बताएंगे कि आप ओटीपी के थ्रू आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हो। आपको ओटीपी के थ्रू अपने स्टेटस को चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस पोर्टल पर आ जाना होगा। एंड इस पोर्टल पर आने के बाद आपके यहाँ पे थोड़ा नीचे की ओर आना है। एंड नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, नो योर स्टेटस। तो आपके यहाँ पे नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड नो योर स्टेटस वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। एंड इस कैप्चर कोड को सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपके यहाँ पे गेट ओटीपी वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड गेट ओटीपी में क्लिक करते ही आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें आपको एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। सो दोस्तों, उस ओटीपी को आपके पे नीचे फिल कर देना है। एंड ओटीपी फिल करने के बाद आपके पे गेट डाटा पर क्लिक कर देना है। एंड गेट डाटा में क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हो आपका स्टेटस यहाँ पे शो हो चुका है, जो कि देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपका फार्मर नेम आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबल स्टेटस। तो आपके यहाँ पे एलिजिबल स्टेटस देखने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एलिजिबिलिटी स्टेटस। तो आपको सिंपल इस एरो पर क्लिक कर देना है। इस एरो पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो आपका लैंड सेटिंग जो भी होगा आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो अदर बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस। अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक होगा तो आपके यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज अगर आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं होता है तो आपके यहाँ पे नो मिल जाएगा। आपके यहाँ पे ईकेवाईसी स्टेटस पर आपके यहाँ पे कंप्लीट होगा तो आपके यहाँ पे ये दिखेगा, अदरवाइज आपके यहाँ पे नो देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप इस तरह से अपने एलिजिबिलिटी स्टेटस पे चेक कर सकते हो। एंड आप यहाँ नीचे आओगे तो नीचे आप देख सकते हो लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स। तो दोस्तों, आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी इंस्टॉलमेंट मिला होगा आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखते हो इस किसान को 11वीं किस्त मिला है। तो दोस्तों, ये था पहला तरीका कि आप ओटीपी के थ्रू आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपने स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताएंगे कि आप बिना ओटीपी के थ्रू आप अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपने स्टेटस कैसे चेक कर सकते हो। सो दोस्तों, बिना ओटीपी के थ्रू अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना में स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके यहाँ पे आ जाना होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पोर्टल इस तरह से कुछ आपके यहाँ पे सामने ओपन होकर आ जाएगा। सो दोस्तों, बिना ओटीपी के थ्रू आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत स्टेटस चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रैक डीबीटी डिटेल्स। तो आप यहाँ पे ट्रैक डीबीटी डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सो दोस्तों, इस पेज का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पर आ सकते हैं। एंड इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पे ट्रैक डीबीटी डिटेल्स वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड ट्रैक एक्टिविटी वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का न्यू इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सो दोस्तों, आप यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है, जो कि देख सकते हो कैटेगरी। तो आप यहाँ पे कैटेगरी में क्लिक करके आपके यहाँ पे पीएम किसान सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो डीबीटी स्टेटस। तो आप यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी वैलिडेशन एंड आप यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट। तो आपके यहाँ पे सबसे पहले बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके यहाँ पे फिल कर देना है, जो कि देख सकते हो इंटर एप्लीकेशन आदि। तो आपको इंटर एप्लीकेशन आईडी में जो भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपको इस कैप्चर कोड को सेम टू सेम आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। देन आपको नीचे आके आपके यहाँ पे सर्च वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड सर्च में क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे आ जाना है। एंड नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी डिटेल्स आपको इस तरह से कुछ शो हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपके यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी होगा आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी नेम जो भी होगा आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा। एजेंसी कोड आपके यहाँ पे
शो हो जाता है एंड आपका जो भी बैंक अकाउंट पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लिंक है आपके यहाँ पे शो हो जाएगा। सो दोस्तों आपको इस तरह से बिना ओटीपी के थ्रू आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आप अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को आप इस तरह से चेक कर सकते हो। सो दोस्तों आपके यहाँ पे एक ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी। अगर आपके यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी में रिजेक्ट दिखता है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आपको जो पैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपके यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस जो यहाँ पे देख सकते हो ना रिजेक्ट है, तो आपके यहाँ पे सबसे पहले अपडेट कर लेना है। अगर आपके यहाँ पे अपडेट के जगह पे रिजेक्ट दिखता है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो भी किस्त है आपके यहाँ पे किस्त नहीं मिलने वाला और आपके यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे शो हो जाएगा जो कि देख सकते हो अप्रूवल बाय एजेंसी यहाँ पे एनए देख सकते हैं एंड आप यहाँ पे देख सकते हो एनपीसीआई स्टेटस ना है। तो दोस्तों एनपीसीआई स्टेटस यहाँ पे एनए ना है तो यहाँ पे सब कुछ ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर आपके यहाँ पे स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी रिजेक्ट है तो दोस्तों आपको यहाँ पे यस कर लेना है यानी कि अपडेट कर लेना है। सो दोस्तों ये आपके पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर स्टेटस चेक करते हैं तो आपके इस तरह से यहाँ पे नहीं दिखेगा, लेकिन दोस्तों अगर आप पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के इस वेबसाइट पर आप यहाँ पे अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस चेक करते हैं तो आपके यहाँ पे सब कुछ आपके यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो बेनिफिशियरी कोड भी आपको इस तरह से शो हो जाता है। सो दोस्तों आप कुछ इस तरह से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत बेनिफिशियरी स्टेटस को बिना ओटीपी के थ्रू चेक कर सकते हो, जो कि मैं आपको यहाँ पे लाइव कंप्लीट प्रोसेस बता दिए। सो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बेनिफिशियरी स्टेटस को बिना ओटीपी के थ्रू आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक एंड ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में भी शेयर करेगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करेगा। आगे भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का अपडेट हर पल आपको इस चैनल पर मिलते रहेगी। सो दोस्तों इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पर।